पहले से हम स्कूल चलाते थे सीतामढ़ी में। अच्छा। रामनगरा में 2017 में हमसे रंगदारी मांगा गया था। अच्छा, किनके द्वारा रंगदारी मांगा गया था? वो गोपनीय चिट्ठी के संबंध में भेज के हमसे रंगदारी मांगा गया। कितने की रंगदारी थी? 3 लाख रुपया की। 2017 में? जी 2017। फिर क्या हुआ? फिर 2017 में हम रामनगरा सीतामढ़ी से स्कूल बंद करके अपने गाँव रीगा चले गए। अच्छा। उसके बाद 2019 में 25 सितंबर के फिर रंगदारी 3 लाख रुपया मांगा, और उसमें 17 का बाद पुनः दर्शाया था कि 15 दिन में पैसा नहीं देने पर गोली मार देंगे। संबंधित थाना में इस प्रकार का कोई आवेदन आपने दर्ज किया था? आवेदन दिए थे 25 सितंबर के जाके, लेकिन उन्होंने सनहा नहीं लिए थे, सीधे गोपनीय अपना कहे थे कि किस थाना में आपने सनहा दर्ज किया? थाना में, रीगा थाना के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, कार्रवाई नहीं की, और उन्होंने कहा कि ईसाई झूठ मूठ के आपको ईसाई रंगदारी मांग रहा है, और जिसका परिणाम हुआ कि आज गोली मार दिया गया। कल नहीं हुआ है, आज हुआ है। सुरेंद्र चौधरी नाम का मरीज था, जो कि 8:30 बजे सुबह में हमारे क्लिनिक में आया है, जिसके कि दाहिने बाएं गाल में गोली लगी हुई है, और वो गोली को पियर्स करते हुए मैंडिबल के नीचे से दाहिने तरफ से निकल गई है। कहीं ऑलरेडी एंट्री और एग्जिट दोनों ही हैं। पेशेंट का पल्स बीपी कुछ भी नहीं था, पेशेंट अनस्टेबल था। पेशेंट को स्टेबल किया गया है, होमोस्टेसिस को मेंटेन किया गया है। सेवा पेशेंट का सीटी हुआ है, सीटी का रिपोर्ट अवेटेड है। सीटी का रिपोर्ट जो ही आएगा तो हम उसके ऑपरेटिव प्रोसीजर करेंगे। अभी मरीज अनस्टेबल है, वाइटल्स स्टेबल नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है और मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है।